नाजरीन इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की कदीम मस्जिद एंगोरबिक में और हमारे साथ हैं मुफ्ती कासिम कासमी साहब आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये का सीजन चल रहा है और अभी कुछ दिन पहले जो है हमारे सामने ये बात आई थी कि दिल दिल्ली के और भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और दूसरी स्टेट में ये पोस्टर लगे हुए थे सड़कों पर कुर्बानी जो है वो एक जीव हत्या है तो उसको लेकर के थोड़ा बवाल हुआ था फिर उसको हटवाया भी गया लोगों ने शिकायत की है। तो हम यही सर एक सवाल मुफ्ती साहब से पूछना चाहते हैं कि अभी दिल्ली में भी ये मसला चल रहा है कि जब मुख्तफ बाज़ार मार्केटें खुली हुई हैं उनको परमिशन दी गई है तो एक अभी ऑर्डर आया है कि बकरा मंडी नहीं लगी जाएगी जो पचास साल ये कदीमी बकरा मंडी यहाँ पर मीना बाज़ार के अंदर लगती थी वो अब इस वक्त नहीं लग रही है जबकि और भी बाज़ार खुल रहे हैं तो मुफ्ती साहब इसके बारे में आपको क्या कहना है देखिए सबसे पहली बात तो ये जो पोस्टर लगे थे कुछ वक्त पहले वो यहाँ के इलाकई ज़िम्मेदार हजरात की कोशिशों की वजह से हटा दिए गए थे वो चंद बेवकूफ़ किस्म के लोगों ने लगवाए थे जो लोग इस मुल्क के अमन अमान को ख़राब करना चाहते हैं कि कुर्बानी कोई आश से तो नहीं हो रही और ये एक मुसलमानों की इबादत है और जब से मुसलमान हैं इस मुल्क के अंदर शुरुआत से ये काम हो रहा है और बखूबी अंजाम दिया जाता है और ये एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है और आप ये भी देखेंगे कि बहुत से हमारे गैर मुस्लिम भाई भी इसको खुशी से न सिर्फ़ ये कि मनाते हैं बल्कि कुर्बानी के गोश खाने के लिए फ़ोन करके अपने मुस्लिम भाइयों को कहते हैं कि हम फला तारीख में फला दिन आ रहे हैं आप इसी के साथ साथ ये देखें अगर हम उस पोस्टर को देखकर कहें जामा मस्जिद या और हज़रत निज़ामुद्दीन या ओखले के इलाक़े में आप चले जाएँ वहाँ आपको गोश्त खाने वाले होटलों पर कितने लोग गैर मुस्लिम नज़र आएंगे आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि ये चंद लोग जो शरारतें करना चाहते हैं उनकी शरारतें हैं जो इस मुल्क में भाईचारे की फजा को ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन इन वो कामयाब नहीं होंगे जैसा कि दिल्ली में वो कामयाब नहीं हुए दूसरी बात के पचास साल पुरानी एक जो रिवायत थी उर्दू बाजार के अंदर एक बकरी से पहले बाज़ार लगाया जाता था जहाँ लोग जानवर खरीदते थे तो ये एक बड़ा मर्ज जो चल रहा है पूरे आलम जिससे मुतासर है कोरोना वायरस इसको वजह बनाकर ये कहा गया है कि अगर मार्केट लगाने का या मंडी लगाने का हम फैसला ले तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख़्याल नहीं किया जाएगा तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त हम सबको बचना है जो एहतियाती तदाबीर है लेकिन बस सवाल ये पैदा होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग दाल मंडी में क्यों नहीं नज़र आती सोशल डिस्टेंसिंग सब्ज़ी मंडी में क्यों नहीं उसका ख्याल किया जाता सोशल डिस्टेंसिंग को आप फल मंडी में क्यों नहीं देखते आप अजमेरी गेट पर खड़े हुए हैं इसके चारों तरफ बड़े बाज़ार हैं दिल्ली के दाल मंडी भी यहीं है सदर बाज़ार भी यहीं है चावड़ी बाजार भी यहीं है लाल कुआँ भी यहीं है और आप आगे चले जाएँ तो मसाले की मंडी जो है खारी बावली वो सब यहीं पर है सारे बाज़ार खुल रहे हैं यहाँ पर सरकार चाह कर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करा सकती क्योंकि ये एक तो बहुत कंजस्टेड एरिया और बड़ी मार्केटें हैं चारों तरफ से लोग आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से यहाँ लोग आ रहे हैं वो जो उर्दू बाज़ार है वो एक पार्क के अंदर लगता है उर्दू पार्क में जो बकरे की मार्केट लगती है उसके चार पाँच गेट हैं वहाँ अगर सरकार चाहे तो सोशल डिस्टेंसिंग की रियायत करते हुए बाज़ार लगवा सकती है उसके बहुत सारे तरीक़े हैं वो किए जाएं अब रही ये बात कि इसको उस पोस्टर से जोड़कर देखा जाए तो ये मुनासिब सा नहीं लगता उस पोस्टर से कोई लेना देना नहीं है सरकार का अपना एक अलग फ़ैसला है लिया गया है लेकिन इस फ़ैसले को सोचना चाहिए और हमारे जो दिल्ली के ज़िम्मेदार हज़रा हैं उनको भी ये सवाल करना चाहिए कि क्या सारा कोरोना जो है खुदा ना खास्ता बकरा मंडी से ही फैल जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ क्यों नहीं मेंटेन कराई जाती तो ये सारी चीज़ें दूसरी बात कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जीव हत्या जैसा कि अभी आपने सवाल किया मुर्गा क्या सारा मुसलमान खा रहा है सरकारी आप देखें सरकारी सतह पर एक रिपोर्ट चौदह फीसद मुसलमान कहे जाते हैं इस मुल्क में लेकिन गोश्त खाने वाले लोगों की तादाद सत्तर फीसद है तो ये जो इतनी बड़ी तादाद है ये कौन लोग हैं मैंने कहा ना आप निज़ामुद्दीन देखिए जामा मस्जिद का इलाका देखिए ओखला देखिए मुस्लिम होटलों पर ज़्यादातर गैर मुस्लिम भाई खाते हुए नज़र आएंगे, और क्या मुर्गा जीव नहीं है आप मुर्गा मंडी बंद कराइए आप क्यों चलवाते हैं इस लाइटर हाउस जितने चल रहे हैं बंद कराइए आप इनको आप नहीं करा सकते इसलिए कि ये औकात से बाहर है ये सिर्फ़ शरारत करते हैं जब मुसलमानों के को कोई त्यौहार आते हैं शरारती लोग हैं इन पर सरकार को चाहिए कि बैन करे ऐसे लोगों को और उनको सजा दे लेकिन जब उनको पीछे से कुछ पुश मिलता है तो शरारते वो लोग करते हैं वरना मछली मंडी है मुर्गा मंडी है ये भी तो जीव है इनको क्यों नहीं देखते आपके यहाँ खटमल मारने की दवाई बेची जा रही है आपके यहाँ और तरीक़े की दवाइयाँ हैं जिनसे चूहे मारे जा रहे हैं और जानवरों को मारने के लिए सरकार जब नील गाय से परेशान हो जाती है या कोई और बड़ा जानवर जो खेतों को तो सरकार ठेका देती है शूटर्स को कि जाकर फला जानवर को मारो फला को मारो ये जीव हत्या नहीं है तो और क्या है तो ये सिर्फ़ पागल किस्म के जाहिल किस्म के लोग हैं जो इस मुल्क के भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं तो मैं सब हिंदू और मुसलमान भाइयों से कहूँगा सारे त्यौहार मिलजुल के मिलाएँ प्यार मोहब्बत के साथ मनाएं और ये जो चंद थोड़े से लोग इस मुल्क के प्यार और मोहब्बत को खलल के तौर पर बदल देना चाहते हैं इसमें कुछ शिद्दत पैदा करना चाहते हैं और लड़ाना चाहते हैं इनसे होशियार रहें उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक वाले